देखिए करेले के छिलके की ये सब्जी कितनी टेस्टी और स्पाइसी लग रही है। इसे खाएंगे तो बस खाते ही रह जाएंगे। हेलो एवरीवन, आज मैं करेले के छिलकों की सब्जी बनाने जा रही हूँ। करेले अकेली ऐसी सब्जी है जिसके छिलके मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बिल्कुल करेले की सब्जी की तरह बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये 500 ग्राम करेले के छिलकों को मैंने लिया है, जिन्हें नमक के पानी में मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है। ये मैंने 2 बड़े आलू लिए हैं और इनको इस तरीके से काट लिया है। चलिए इनको तल लेते हैं। तलने से ये हमारे आलू मशी नहीं होंगे और सब्जी में बहुत अच्छे लगेंगे। ये इन्हें सुनहरा होने तक तलेंगे और चलाते रहेंगे बराबर। आँच को हम बहुत धीमा रखेंगे, धीमी आँच में ही इनको तलेंगे। इसी ये थोड़े से गल भी जाएंगे और इनको उलटते पलटते रहेंगे। सभी आलू अच्छी तरीके से सिक जाने चाहिए। ये देखिए सुनहरे होने लगे हैं, इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। आलू हमारे सभी अच्छी तरीके से तल गए हैं। अब मैं इसी तेल में 2 बड़े प्याज मैंने काटे हैं, रफली चॉप किए हैं, इनको भी थोड़ा सा तेल में मिला लेते हैं। अब मैं इसमें छिलके डाल देती हूँ करेले के और इनको भी अच्छी तरीके से मिला लेते हैं और इनको पकने के लिए लिड लगा देते हैं। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए तेल में अच्छी तरीके से भुन रहे हैं। ये इस जगह मैंने ये गार्लिक डाल दिए है, 4 से 5 कली मैंने गार्लिक डाली है। ये मैंने पिसी हुई मेथी डाली है भुनी हुई। ये मैंने थोड़ी सी सौंफ डाल रही हूँ। ये मैं थोड़ी सी धनिया डाल रही हूँ। ये मैं हल्दी डाल रही हूँ और ये थोड़ी सी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, ये ऑप्शनल है। इसको सभी मसाले अच्छी तरीके से मिला देते हैं। सभी मसाले हमारे कोट हो जाने चाहिए। अब मैं इनको मिला दूंगी और ये मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है। लाल मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाल लीजिएगा। ये 2 हरी मिर्च मैंने इस साइज में काट के डाल दी है। ये मैं नमक डाल रही हूँ, इनको भी मैं मिला देती हूँ। अब मैं लिड लगा देती हूँ और इनको भुनने देती हूँ। चलिए देख लेते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा तेल भी सेपरेट होने लगा है। भुन गए हैं मसाले, इसमें अच्छी तरीके से कोट हो गए हैं। ये सब्जी बहुत अच्छी बनती है, आप एक बार जरूर बनाएं और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। ये मैंने आमचूर पाउडर डाला है इसमें और इसी स्टेज में मैं आलू डाल दूंगी और आलू को भी अच्छी तरीके से हम मिला देते हैं। सभी मसाले हमारे बहुत अच्छी तरीके से मिल जाने चाहिए। इन्हें थोड़ा सा भी और पकाऊंगी, थोड़ा सा और भूनूंगी। भूनने से सब्जी ये बहुत अच्छी बनती है। आप थोड़ा सा चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं, मैंने चीनी नहीं डाली है। चीनी डालने से सब्जी थोड़ी खट्टी मीठी बनती है। चलिए लिड लगा देते हैं और इसको मिला देते हैं। देखिए सब्जी हमारी कितनी अच्छी बन के तैयार हो रही है। ये देखिए अच्छी तरीके से भुन भी गई है, बहुत बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसे प्लेट आउट कर लेती हूँ। करेले के छिलके की सब्जी हमारी बनके तैयार है। देखिए कितनी अच्छी बनी है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। करेले के छिलके की ये सब्जी बनके तैयार है। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। करेले जिस तरीके से करेले बनते हैं वही टेस्ट इनमें बिल्कुल आता है, आपको कोई फर्क नहीं होगा। आप एक बार जरूर बनाएं, बिल्कुल भी कड़वी नहीं होती है। और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ।